क्या है, काफी टिपिकल सिचुएशन में था यहाँ, और क्योंकि मतलब पूरी बैक वीडियो में स्वागत है आप रेतो जैसे रेस्क्यू पदम से कैटेगरी होता है। दोस्तों दिन के लगभग 2 बजे हमें रेस्क्यू बुलाया था उदयपुर से फतेहपुरा पर, ये फतेहपुरा से उदयपुर के समीप आता है। यहाँ पर चौथी मंजिल पर सांप है इस बिल्डिंग में, ऐसा क्या देखते हैं ये बिल्डिंग के सामने, यहाँ पर चौथी मंजिल पर सांप निकला है भाई। दोस्तों देखते कौन सा सांप है, बड़े ताजुब की बात है कि चौथी मंजिल पर सांप है भाई। दोस्तों देखते कौन सा सांप है, खतरा हो भी सकता है और नहीं। मिरर नहीं आता यार, फोर्थ फ्लोर ध्यान रखना, तो बताओ फोर्थ फ्लोर। पाइप के बीच, पाइप के दोनों पाइप के बीच में, पाइप के बीच तो दोस्त जूम करो सब कोई करा। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, ये काफ़ी हाइट पे, ये लगभग 5 से 6 मंजिल पर ये सांप है और काफ़ी टिपिकल सिचुएशन में है। तो आप जैसा कि देखते हैं, आप कोशिश करेंगे इसे नीचे ना गिरने दे और सांप का रेस्क्यू करें तरीके से, बाकी ऐसी कंडीशन में होता है मुश्किल है सांप को रेस्क्यू करना। तो आइए दोस्तों देखते कैसे रेस्क्यू। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, आज हमने विभिन्न विभिन्न जगह से 5 सांप रेस्क्यू, इसमें 3 कोबरा, 2 इंडियन रेड स्नेक और 1 इंडियन टिन कैट। तो आपके सामने तीनों कोबरा रिलीज कर रहा हूँ मैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों 3 इंडियन कोबरा है, ये देख सकते हैं आप, और ये सबसे बड़ा इंडियन ब्लैक कोबरा। देखिए दोस्तों तीनों सांप जा चुके हैं पर्यावरण में, और एक है ये ट्रिनकेट सांप, जिसे आम भाषा में लोग सब सुंदरी कहते हैं, जिससे काफ़ी खूबसूरत सांप है ये, और ये देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत सांप ये, इसे भी हम पर्यावरण में आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये भी पर्यावरण में जा चुका है, और एक आखिरी सांप इंडियन रेड स्नेक, जिसे आम भाषा में लोग रेड स्नेक कहते हैं। ये देखिए दोस्तों इसे भी हम पर्यावरण में आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, और अगर आप हमारे नए चैनल पर सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ हमने जंगल में रिलीज किया आपके सामने,
तो आज के लिए इतना ही बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।